तो मुझे दिल्ली में निकलना पड़ता है अपने डॉग से बच के, क्योंकि वो मेरे पीछे आते हैं, तो मेरा पैदल चलना नामुमकिन है। और यहाँ पर हो गया मेरे साथ, ये मेरे पीछे इतना पड़ गया है कि ये मेरे पीछे ही आता है जहाँ भी मैं जाती हूँ, मुझे चुपके से निकलना पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज डे 4 है और मुझे कहना पड़ेगा, वैसे ही मुझे बहुत जल्दी हर जगह से प्यार हो जाता है, पर बीर से मुझे कहना पड़ेगा मुझे स्पेशल प्यार हो गया है। मेरा मन ही नहीं कर रहा बीर मेरा मन ही नहीं कर रहा बीर छोड़ने का, और आज हमें शायद बीर छोड़ना है बिकॉज एज़ पर अदर पीपल जो हमारे साथ आए हैं, और एज इन इट्स ट्रू ऑल्सो दैट वी हैव सीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सो नथिंग मच टू सी हेयर नाउ, सो वी आर moving to some other place and the trip now that we have planned is abhi humne Bir mein we have spent 4 days as in 3 nights, so now we are moving to Barot Valley, so na bahut sundar hai, aur uske baad we'll go to Palampur and Kangra, so we will try to cover these 4 places, aur fir kaisa review hoga main bataungi, par mujhe kehna padega कि मैं नॉर्मली किसी भी जगह पे एक ही बार विज़िट कर, मतलब लगता है कि हाँ एक बार ही हो गया, डन। आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट प्लेस अगेन, आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, बट बीर के बारे में मुझे कहना पड़ेगा कि आई एम इन लव विद दिस प्लेस, आई एम टोटल इन लव विद दिस प्लेस, द रीज़न बीइंग यहाँ का जो पूरा वाइब्स है, इट इज़ वेरी सिंपल येट वेरी क्लासी, यू नो यू फाइंड सच यंग पीपल स्टेइंग हेयर, और आप जब मार्केट में निकलते हो तो इतने बच्चे मिलते हैं, इतने स्टूडेंट्स मिलते हैं, इतने यंगस्टर्स मिलते हैं, तो हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट आई नोटिस एंड व्हाट आई विटनेस्ड हेयर इज़ कि बहुत सारे जो मिडिल एज या फिर मे बी द ओल्डर एज पीपल ऑल्सो दे ऑल्सो, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, दे ऑल्सो यू नो दे हैव शिफ्टेड हेयर। मुझे ऐसे 3-4 मिले अंकल्स जिन्होंने अपना बेस छोड़ के और वो परमानेंटली बी शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपने कैफेज़ खोले हैं, दे आर रनिंग इट सक्सेसफुली, दे आर वेरी हैप्पी ऑल्सो। आई हैव मेट पीपल हु आर फ्राम दिल्ली एंड हु हैज शिफ्टेड हेयर, आई हैव मेट पीपल हु आर फ्राम पंजाब, आई हैव मेट पीपल हु आर फ्राम तेलंगाना एज इन फार साउथ, this is far north but they have shifted here, so ye hai Bir ka quality, log kiche chale aate hain, ek bar hi aate hain uske baad man karta hai yahi aa jaye, kuch to hai isme bhai, kuch to hai, although kitni simplicity hai utna kuch to hai to अभी मेरा बीच से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आई एम बीइंग वेरी इमोशनल, मेरा मन करता है मैं यहीं रह जाऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आने का, कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है मैं यहीं रह लूँ, बस मार्केट घूमूँ, मोनेस्ट्री जाऊँ और बस वहाँ क्या बोलते हैं लैंडिंग साइट पर बैठ जाऊँ, और यही सब मेरा बहुत मन है, बट वी हैव टू मूव ऑन, सो वी आर मूविंग और लेट्स सी हाउ इज अदर प्लेसेस। हमारा इंडिया बहुत सुंदर है, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से इन ऑल, हमारा इंडिया बहुत सुंदर है, अपना देश महान। कल जब मैं जा रही थी लाफिंग खाने तो मेरे पीछे मोजो पड़ गया, और वो मेरे पीछे 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 आता गया, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, चलना मुश्किल कर दिया, थोड़ा और आगे गया तो दूसरे कुत्ते से लड़ाई हो गई, बाप रे जिस तरह मैंने उसे रोका पीछा छुड़ाया ये मेरे को ही पता है, इतना ज़्यादा पीछे हो गया ना वो मेरे, जहाँ मैं जाऊँ मेरे पीछे पीछे, ये पता नहीं कुत्तों से कौन से जन्म का रिश्ता है मेरा जो ऐसा होता है, आज शायद हमारा तो गाइस यहाँ पर हम आए थे साइकिल लेने, आधार कार्ड मेरे मोबाइल में
हार्ड कॉपी नहीं है तो बोला आप उन्हें व्हाट्सएप कर दो। मैंने बोला देखो साइकिल तो पापा गए हैं। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, आपकी साइकिल चोरी नहीं होगी। ड्रोन शॉट। चलो 500 रुपये जमा कर दो। ये तो 500 रुपये। कल इनका बर्थडे था। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश कर दो। वैसे कल के व्लॉग में तो दिखाएंगे बर्थडे तुम्हारा। रिकॉर्ड कर लिया था मैंने अपने मोबाइल से। नहीं नहीं आपकी फिर साइकिल चली जाएंगी। लेकिन मुझे दो साइकिल चाहिए ना, एक डबल वाला चाहिए और एक मेरे। लेकिन वो साइकिल हमें मुझे चलाना आता है, इनको चलाना नहीं आता है, तो चला लेंगे। हाँ पीछे बैठाएंगे। सिंगल साइकिल में छोटे भाई को। हाँ ये तो चला लेगा। आपका जानना चाहिए। तो आपको कौन सी होगी? गियर वाली साइकिल है गाइस। गियर है, गियर वाली है। रुक जाओ और मैं डबल सीटर साइकिल। डबल सीटर साइकिल अच्छी सी देखेंगी ये वाली। अभी बाहर निकाल लेंगे ना फिर देखेंगे। दाम नहीं लगाना पड़ता है। साइकिल ना आते हुए साइकिल का मजा ऐसे लेते हैं आराम से, ना पैडल मारने ना कुछ करना है। आवाज तो जा ही सकते हैं, बस साइकिल चलानी है। वो देखो कार भी देख लेनी है। मजा आ गया, साइकिल चलानी आती तो है नहीं पर मजा आ गया इससे पीछे बैठ के। डबल सीटर साइकिल, वाओ। तो ये है हमारे अविनाश भैया, हमने इनसे ली है साइकिल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे भैया के साथ। भैया ने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ से हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। भैया को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और भैया बहुत कोऑपरेटिव भी है। हमको दो साइकिल्स लिया, एक डबल साइकिल और एक सिंगल साइकिल। भैया कितना प्राइस है? 100 रुपये पर साइकिल का। पर साइकिल का। और साइकिल्स कौन कौन कैसी कैसी हैं? माउंटेन साइकिल है सभी माउंटेन साइकिल। तो 1 hour के 100 rupees हम कोई भी साइकिल चूज कर सकते हैं। कोई भी। और भैया अगर बुलेट या बाइक लेनी हो या स्कूटी उसके भी बता दीजिए। स्कूटी का 700 रहेगा और बुलेट का 1300 रहेगा। बुलेट का 1300 और स्कूटी का 700। कितनी देर के लिए? 24 hours। तो भैया का फिर मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में और आप यहीं से साइकिल लेना, यहीं से ले लेना स्कूटी साइकिल एवरीथिंग। तो ये आदि शेफ जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने मैगी अपनी खुद बनानी है। तो रेसिपी ये बता, मतलब ये रेसिपी बता रहे हैं। हाँ जी मिक्स मिक्स। अच्छा अब इसमें सूखी मैगी डालना, मसाला डालना, पानी तो डालना है भैया। पानी के बिना डाल दिया, पानी के बिना पकेगी नहीं। हाँ डाल दिया। गैस भी जलानी है। तू बताए ना भैया, भूल ही जाएगी गैस जलानी। ये तो मजा आ गया। हम तो एक मैगी लेगा या डबल मैगी लेगा? एक ही काफी है, टोस्ट भी तो खाएगा ना। क्या करना है तुम्हें आटे का? आ जाऊंगा। इतनी भूख। दिखाओ आदि क्या किया, शो अस। क्या करना है इसका? मैगी मसाला उसमें नहीं डालते आप? फिर क्या करते हो? इसको यहीं पर रख देगा, फिर मैगी का पानी इसमें डाल के, फिर मैगी पका के इसमें डालनी है, फिर मिक्स करनी है। तो ये कौन सी मैगी बनेगी? कोरिया की। कोरिया की मैगी? इंडिया में रह के तुम कोरिया का खाते हो? ये तो गलत बात है। भैया पानी ठीक जा रहे हैं।
हाँ पानी तो थोड़ा एक्स्ट्रा रहना ही चाहिए। मजा आ जाएगा आलू पर। देख पता क्या ऑर्डर बढ़ जाएगा। ये बन गई है आदि की मैगी जो इसमें यहाँ पर मैं बट वैसे टेस्टी है और ये मैगी सर्च कर लो ऐसा ही बनेगा। गुड।